Hello everyone, welcome back to The Reactionist. This is Vidhan. This is Pravash. And today we are going to react on the date announcement for Fighter. Guys, you remember ki aap logo to beech mein khabar mil rahi hogi, you know, hum log jab Pathan ke bare mein baat kar rahe the, jab Tiger 3 ke bare mein baat kar rahe the, to is cheez ko leke bhi hum log discuss kiya tha hum logo ne ki, you know, there's going to be a collaboration after war, Ritik, what is he up to? वो विक्रम वेदा करने में भी बिजी हो गए हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली कोई भी पिक्चर्स कुछ भी अभी तक नहीं मिली है फॉर फाइटर, बट दिस इज व्हाट वी गेट राइट नाउ. थोड़ी देर पहले ही इसको इस अपडेट को हम लोगों ने देखा है, और आइए इस पे पहले रिएक्ट करते कि एक्चुअली है क्या, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर वीडियो है या फिर सिर्फ डेट अनाउंसमेंट क्लिप है, जरा सा देख लेते हैं. लेट्स गो. मर्फ्लिक्स, ये सिद्धार्थन की मतलब पहली प्रोडक्शन है. ओके, फाइटर ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, सिद्धार्थ आनंद फिल्म, इंडिया फर्स्ट एरियल एक्शन फिल्म. ओके, फाइंड द रनवे, 28 सितंबर 2023. गाइस, काफी छोटी वीडियो थी, यू नो, अगर हम लोग कंपेयर करें टाइगर 3 और पठान, ऐसा एक्साइटमेंट भी रखना अच्छा लगता है कभी कभी, यू नो. आपने ज्यादा कुछ बताया नहीं है इसके बारे में, ज्यादा कुछ दिखाया नहीं है, क्योंकि आई गेस इसके पीछे काम करने में काफी मेहनत लगती होगी. जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी इंडियाज फर्स्ट एरियल एक्शन मूवी. काफी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है गाइस, काफी बड़ी वायकॉम स्टूडियोज के ऊपर. एग्जैक्टली, स्पेशली सिद्धार्थ आनंद, और सिद्धार्थ आनंद जो उनका जो एक्सपर्टीज है, यू नो, इस फील्ड में एक्शन मूवीज कह लीजिए. पहले हम लोग सोचते थे कि ये डायरेक्टर जो अनजाना अनजानी ऐसे टाइप की, एग्जैक्टली, जो यू नो रॉम कॉम होती थी ऐसे बनाते हैं, तो हाउ विल ही एक्चुअली वर्क ऑन दीज मूवीज एंड ही हैज पास्ड आउट विद फ्लाइंग कलर्स. या फिर हम कह सकते हैं कि सिद्धार्थ आनंद को सक्सेस मिली है इन ये एक्शन मूवीज करके, और ये सक्सेस उन्होंने प्रूफ की थी बैंग बैंग से, आई गेस. एग्जैक्टली, ऋतिक रोशन हैज बीन अ, यू नो, फॉर्च्यून फॉर हिम, और वो भी एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी थी, क्योंकि नाइट एंड डे की वो ऑफिशियल रीमेक थी, तो वो भी हम सबको पसंद आई वो मूवी. गाइस, ऋतिक को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सिद्धार्थ आनंद एक ही डायरेक्टर है जो ऋतिक जैसे स्टार को यूटिलाइज कर सकता है, एक्शन, डांसिंग, सब कुछ, वो ऐसा मेरा मानना है गाइस कि सिद्धार्थ आनंद ही एक डायरेक्टर है. जैसे वॉर में जैसे आप लोगों को पता होगा कि पहले हम लोगों ने ट्रेलर देखा था कि सबसे पहले तो ये दोनों टाइगर श्रॉफ और ऋतिक एक साथ आ गए, कोई बात नहीं, पर स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, और स्टोरी पे उन्होंने ध्यान दिया. माय गॉड, ऐसा लगता था कि जैसे हम लोग मार्वल फैंस होते हैं ना, ऐसे बहुत जगह, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो मार्वल बेसिकली वो फोकस करते हैं, यू नो, उनके फैंस क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनका कमेंट कैसा है, वो लोग क्या डिमांड करते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं. तो कई हद तक सिद्धार्थ आनंद ने भी यही किया था कि यू नो इसमें थोड़ा बहुत डांस होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए. जैसे जिस एक्सपीरियंस को लेकर ऋतिक रोशन आता है, और जो यू नो जो रफ जो मतलब जो फ्रेश यू नो एनर्जी है जो टाइगर श्रॉफ लेके आते हैं, उनको जो कंबाइन करेंगे वो कैसा होना चाहिए मूवी, और वॉर खरी उतरी थी. और सिद्धार्थ आनंद आई गेस कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, जितना कम दिखाते हैं उतना ही अच्छा है, पठान के साथ और फाइटर के साथ. एग्जैक्टली, और जहां तक मुझे पता है, आई गेस फर्स्ट जनवरी को जब हमने इसके बारे में ऑन दैट मंथ, ऑन जनवरी दिस ईयर, हम लोगों को जो अपडेट मिली थी कि वो 30th सितंबर को रिलीज होने वाली है, बट दैट डेट हैज बीन चेंज टू 23rd सितंबर. It has been preponed, by the way. So, हम लोग को आशा रहेगी कि कितनी जल्दी ये रिलीज होने वाली है. इसके बीच में आई गेस कुछ महीनों बाद हमें इसका कोई और टीजर देखने को मिले, ट्रेलर देखने को मिले. इसी साल शायद हमें एक ऑफिशियल ट्रेलर हमें देखने को मिल जाएगा, फुल फ्लेज ट्रेलर. एब्सोल्युटली, अगर ये मूवी 23 सितंबर को रिलीज होने, तब तो रिलीज होने वाली है, तो ट्रेलर तो आएगा ही उससे पहले. पठान आएगा, पठान की भी सेम डायरेक्टर है वो, सिद्धार्थ आनंद. पहले पठान आने वाली है, उसके बाद फाइटर. अब यही देखना पड़ेगा कि सिद्धार्थ आनंद के ऊपर काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पठान में ऐसा क्या अलग करते हैं कि यहाँ पे वो हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्शन मूवीज कई तौर पर इंडिया में यू नो रिपीटेटिव हो जाती है, एक्शन कह लीजिए. और जहां तक कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि यू नो इट्स एन एरियल एक्शन मूवी, पता नहीं क्या देखने को मिलेगा. गाइस, आप सबको तो पता ही होगा कि एरियल एक्शन मूवी की जब बात आती है तो हम सबको टॉप गन की याद आ जाती है. टॉम क्रूज, क्या क्या लेवल है गाइस, मतलब वहां तक पहुंचना एक पॉप कल्चर मूवी है, वो क्लासिक मूवी है, आप सबको पता है. उसकी भी टॉप गन मैवरिक आने वाली, पर कोविड की वजह से वो पोस्टपोन की
हो ही जा रही वो हो ही हो जा ही रही जा रही है, शायद वो 2 साल पहले वो आज रिलीज हो जाने की बात थी इस मूवी को, लेकिन चलिए ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। और जहां तक हमारे वीडियोस के बारे में बात करें, हमारे चैनल के बारे में बात करें, आप लोग क्या फाड़ू रेस्पॉन्स दे रहे हो बॉस, थैंक यू आप सो मच लोगों ने गाइस। बहुत मस्त सपोर्ट किया है हम लोगों को, वी हैड बीन इंक्रीजिंग विद सब्सक्राइबर्स, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, और आई एम श्योर कि हम आप हमारे रिक्वेस्ट को सुनते हैं, आप शेयर भी करते हैं। कीप लविंग अस दिस वे एंड वी अश्योर यू ऑफ एंटरटेनिंग एवरी डे थ्रू आउट विद न्यू कॉन्टेंट्स। टिल देन कीप लविंग अस गाइस, कीप सपोर्टिंग अस लाइक दिस, और तब तक के लिए गाइस अलविदा और अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। सी यू।